أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزوں اور بزرگوں یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت متحر آیتیں ہیں جن کا تعلق اس پارے کے پانچویں رکوع سے اور چھٹے رکوع سے ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت مبارکہ میں مسلسل پانچ رکوع تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد سے متعلق مضمون اور ہدایات بیان فرمائی ہے. غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا. غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہو. ان غزوات کی تعداد 19 ہے. کتنی؟ ان میں سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے اور سب سے آخری جنگ اور آخری لڑائی اس کا نام ہے غزوہ تبوک. قرآن کریم میں بدر کا بھی تذکرہ ہے اور تبوک کا بھی تذکرہ ہے. غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے باوجود غلبہ عطا فرمایا. 313 بے سر و سامان، سواریاں بھی نہیں، لڑنے کا سامان بھی نہیں،
फिर भी अल्लाह ताला ने 1000 के लश्कर पर उन्हें गालिब किया, जिनमें से 70 तो मारे गए और 70 गिरफ्तार हो गए। तो जब वो 70 आदमी गिरफ्तार होके आए, ये पहली जंग थी जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार होके आए थे, इनके बारे में क्या किया जाए, आपने सहाबा से मशवरा किया। हजरत फारूक आदम ने मशवरा ये दिया, ये सुमैया के कातिल हैं, ये खब्बाब को दहकते हुए अंगारों पर लिटाने वाले हैं, ये बिलाल को मक्के में घसीटने वाले हैं, ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन में चादर का फंदा लगाने वाले, रास्ते में कांटे बिछाने वाले, बड़े मुजरिम हैं, लिहाजा ये इस लायक नहीं है इनको जिंदा रखा जाए, इन सब की गर्दनें मार दी जाएं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया ये सब हमारे ही भाई हैं, रिश्तेदार हैं, नबी के रिश्तेदार हैं। उन कैदियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे, उन कैदियों में हजरत अली के सगे भाई हजरत अकील भी थे, उन कैदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, पहले दामाद, बड़े दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर हजरत अबुल आस भी थे, सब अपने लोग हैं। लिहाजा मुनासिब ये है कि इनसे कुछ फ़िदिया ले लिया जाए, कुछ पैसा, कुछ रकम, इससे मुसलमानों की माली हालत भी मजबूत हो जाएगी और हो सकता है कि अल्लाह इनको बाद में ईमान लाने की तौफीक दे दे। और हुआ भी यही, हजरत अब्बास इस्लाम लाए, हजरत अकील इस्लाम लाए, हजरत अबुल आस इस्लाम लाए। उस मौके पर यह भी रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि अगर तुम लोगों ने फ़िदिया लिया, तुम्हें इख्तियार है चाहे फ़िदिया ले लो चाहे कत्ल कर दो, अगर तुमने फ़िदिया लिया तो 70 तुम्हारे आदमी शहीद होंगे, किसी जंग में तुम्हारे 70 आदमी शहीद हो जाएंगे। फिर भी मुसलमानों ने कहा शहादत तो हमारे वहाँ एक इनाम है, हम तो जीते इसीलिए हैं कि अल्लाह के रास्ते में हमें शहादत मिल जाए, तो अगर शहीद हो जाएंगे तो क्या हुआ। गर्दे कि उसके बाद मुशरिकीन मक्का ने बद्र का बदला लेने के लिए सन 3 हिजरी में उहद के मकाम पर, जो पहाड़ है उहद, वहाँ उन्होंने अपनी फौजें इकट्ठा की। पहले 1000 थे, अब 3000, बदला लेने जोश में भरे हुए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि मैदान में चल के लड़ा जाए या मदीने में। जो नए नए लोग थे, नौजवान थे, जोश में भरे हुए थे, उन्होंने कहा कि मदीने में नहीं, मैदान में लड़ना चाहिए। मदीने में लड़ेंगे कहीं वो समझेंगे डरपोक, और मैदान में लड़ेंगे तो हमें शजाअत, बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत से लोग उसमें शरीक हो गए। अल्लाह के नबी की मर्ज़ी ये थी मदीने में रह के मुकाबला किया जाए, लेकिन जब आपने देखा सबकी यही राय है अक्सर लोगों की, तो आपने ज़िरह पहनी डबल, अंदर गए जबर डबल ज़िरह पहनी, लोहे का लिबास। तो बाद सहाबा को एहसास हुआ अल्लाह के नबी कह रहे थे मदीने में रह के मुकाबला किया जाए, हमको हुजूर ही की बात पे अमल करना चाहिए था, हमें बाहर लड़ने पर इसरार नहीं करना चाहिए था।
जब आप अंदर से तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे नौजवानों ने कहा है बाहर चल के लड़ें, आपकी जैसी मर्ज़ी, आप अगर मदीने में रहना चाहें तो हम मदीने में रह के लड़ेंगे। आपने फरमा नहीं, नबी जब जंग का लिबास पहन लेता है तो फिर उतारता नहीं, चलो अब अल्लाह के नाम पे। उहुद पहाड़ के दामन में आपने सहाबा की फ़ौज को इकट्ठा किया और उसकी तरतीब आपने बनाई, फुला जगह फुला और फुला जगह फुला की ड्यूटी, और उहुद पहाड़ और थोड़ा सा उसके हट के एक छोटी सी पहाड़ी है, जो लोग गए हैं वहाँ उन्होंने देखा, जो नहीं गए वो देखेंगे इंशाअल्लाह। उसका नाम है जबलुर रुमात, छोटी सी पहाड़ी, जबल के माने पहाड़ और रुमात कहते हैं तीर अंदाजों वाली पहाड़ी, तीर फेंकने वालों पहाड़ी। अल्लाह के नबी ने उहुद पहाड़ को पीछे किया, लश्कर के पीछे किया, और दाहिने बाएं हाथ पर बीच में एक जगह थी, एक दर्रा, एक घाटी, आने का रास्ता, पीछे तो पहाड़ है मगर कोई अगर आ सकता है तो इस रास्ते से आ सकता है। तो आपने उस पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए, अगर कोई इधर से आने की कोशिश करे तो तीरों का निशाना बनाना, और देखो फतेह हो या शिकस्त, तुम्हें यहाँ से हटना नहीं, जब तक तुम यहाँ रहोगे हम गालिब रहेंगे। चुनाचे मुशरिकों से जब मुकाबला हुआ, पहले एक एक करके मुकाबला हुआ, सारे मुशरिक मारे गए, फिर पूरी लड़ाई शुरू हो गई। वो ऐसी तरतीब थी और सहाबा की ऐसी शजाअत थी, थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया, भाग खड़े हुए सब। जब भाग खड़े हुए तो दूर से हजरत खालिद रजी अल्लाह उन्होंने देखा, वो काफिरों के लश्कर के सरदार थे, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, कि वो जो दर्रा है, जो पहाड़ पर तीरंदाज हैं, पहले 50 थे अब उनकी तादाद कम हो गई, लिहाजा उधर से हम हमला कर सकते हैं। और कम की हुई तादाद, जब लश्कर भाग गया तो सहाबे किराम ने उनके छोड़े हुए माल को इकट्ठा करना शुरू किया, माल गनीमत। तो जो तीरंदाज थे पहाड़ी पर, उन्होंने कहा जंग तो ख़त्म हो चुकी, हमारे भाई माल गनीमत जमा कर रहे, चलो हम भी जमा करें। ये माल गनीमत जमा करना भी सवाब है, ये मतलब नहीं जिसको जो मिल जाए वो उसका हो गया, माल गनीमत का ये मतलब नहीं होता है। सब इकट्ठा कर दिया जाए, फिर उसके बाद इसमें तकसीम होगी, अल्लाह के नबी जितना फरमाएंगे, जितना जितना हर आदमी के हिस्से में आएगा उतना मिलेगा। तो चूंकि माल गनीमत जमा करना भी सवाब है, जंग तो ख़त्म हो चुकी, हमारे भाई सवाब लूट रहे हैं, हमें भी इस सवाब में शिरकत करना, हम भी लूटें। तो वो जो अफसर थे उन 50 तीरंदाजों के, हजरत सईद इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, उनका अल्लाह के नबी की बात याद है, फतेह हो शिकस्त, यहाँ से हटना नहीं। तो उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी के फरमाने का ये मकसद नहीं था कि लश्कर भाग जाए फिर भी यहीं खड़े रहना, आपका मकसद ये था कि जब तक काफिरों के गालिब होने का इम्कान हो यहाँ रहना। अब वो भाग चुके हैं, लिहाजा रोकने के बावजूद 40 आदमी नीचे उतर आए, कितने बचे? 10। हजरत खालिद ने देखा 10 आदमी, 250 सवार उनके मातहत, 10 आदमी और कहाँ 250, पीछे से हमला किया और वो लोग बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।
मुसलमान तो माल गनीमत लूटने में मसरूफ थे, उनको खबर भी नहीं थी कि पीछे से भी कोई आ सकता है। पीछे से जैसे ही हमला हुआ अब उनको होश आया, जो भागे हुए थे वो भी पलट आए, अब मुसलमान बिल्कुल बीच में, इधर भी दुश्मन इधर भी दुश्मन, और बिल्कुल गाफिल, अजीब पोजीशन थी। आलम यह था बेखबरी का और बेचैनी इस्तिराब का कि ये नहीं पता चल रहा था मुसलमान है या गैर मुस्लिम। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मुसलमानों के हाथ से शहीद हुए, पता ही नहीं चल रहा था। इसी अफरा तफरी में जो खंदक, जो गढ़े खोदे गए थे काफिरों ने, उसमें अल्लाह के नबी गिर गए आंखों से ओझल। हजरत मुसाब को शहीद किया जो आलमबरदार थे, उनका चेहरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे से बहुत मिलता जुलता था, तो उसने ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। एक तो इधर से दुश्मन इधर से दुश्मन, और ऊपर से ये खबर अल्लाह के नबी शहीद हो गए, तो मुसलमानों के पैर उखड़ गए, बाद मैदान जंग से हट गए और बाद हाथ पैर छोड़ के बैठ गए वहीं। अजब आलम था। सबसे पहले हजरत काब इब्ने मालिक ने देखा अल्लाह के नबी को और कहा कि मुसलमानों खुशखबरी सुनो, अल्लाह के नबी मौजूद है। पलट करके मुसलमान वहां पहुंचे, बड़ी जानिसारी बड़ी बेजिगरी से लड़े और ऐसा हमला किया जिसके नतीजे में 70 मुसलमान शहीद हुए, बड़े बड़े सूरमा, अल्लाह के नबी जख्मी हो चुके हैं, मगर काफिर लोगों के ऊपर ऐसी दहशत तारी हुई कि वो लोग भागने पर मजबूर हो गए। अब 70 सहाबा की लाशें हैं, उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, हजरत मुसाब भी हैं, साद इब्ने रबी भी हैं, और खाली लाशें नहीं हैं, लाशों का मुसला किया गया है। मुसला मतलब उनकी शक्ल और हयात बिगाड़ी गई, नाक कटी, कान कटा, पेट फटा। मुसलमानों को एक तो शिकस्त का गम, दूसरे इन शहीदों की शहादत का गम, तीसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होने का गम। अजब हाल था, हिम्मत और हौसले पस्त हो चुके थे। ऐन उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की ये आयतें नाजिल की, काहे के लिए, तसल्ली के लिए, हौसले पस्त न करो, आगे बढ़ो, पीछे ना देखो क्या हुआ, जिस वजह से हुआ वो आइंदा ना हो, लेकिन गम ना करो इस पे, आगे बढ़ो। और क्या कहा खुदा ने, कैसे तसल्ली दी, जब घर में किसी को गम होता है तो तसल्ली कौन देता है, दुश्मन कौन देता है, दोस्त लोग, खैरखा लोग, हमदर्द लोग, बेटे को माँ बाप, माँ बाप को बेटे, दोस्त अहबाब। सहाबा को जब गम हुआ तो इनको तसल्ली किसने दी, अल्लाह ने दी, कुरान नाजिल किया। और क्या तसल्ली का अंदाज है, अंदाज भी निराला। अल्लाह क्या कह रहा है, कद खलक मिन कब्लिकुम सुनन, गुजर चुके हैं तुमसे पहले बहुत से वाकयात, काफिर भी हुए मुसलमान भी हुए, आपस में लड़ाइयाँ भी हुई, मुकाबले भी हुए, जंगें भी हुई, ये पहली जंग नहीं है, तुमसे पहले बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं, और उन वाकयात में हुआ क्या है ये भी तुमको बता दिया गया। क्या, जो नबी के मुखालिफ थे, दीन हक के मुखालिफ थे, आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको मगलूब कर दिया, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो दीन हक के मानने वाले थे, अगर वक्ती तौर पर वो हार गए, मगलूब हो गए, उनको जख्म लगा, लेकिन अंजामकार नतीजे में गालिब ईमान वाले ही हुए हैं। लिहाजा ये जो आर्जी नुकसान तुम्हें पहुंचा,
खुद तुम में से शहीद हो गए। तुम्हारे हौसले जो पस्त हो रहे हैं, हौसले पस्त करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी होता आया है, आज भी ऐसा हुआ है, अंजाम कार गलबा तुम्ही को मिलेगा। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने नबियों की मुखालिफत की, जब जब मुखालिफत की दीन हक के मुखालिफ, उन लोगों को जलील होना पड़ा है, मगलूब होना पड़ा है, उनको सजा खुदा की तरफ से दी गई है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो उन बस्तियों को जाकर के देखो जहां वो दीन के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, नबी के दुश्मन रहा करते थे। फसीरु फिल अर्ध, जमीन में चलो और फिरो। फंजुरु कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, और देखो कैसा अंजाम हुआ दीन हक को झुटलाने वालों का। बहुत से ऐसे मकामात थे जो फिर आबाद ही नहीं हुए। फिरौन और फिरौनी जब महलात से निकले तो उसके बाद दोबारा महल में वापसी नसीब। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व मकामिन करीम, अल्लाह कहते कितने बागात छोड़ गए और कैसे कैसे चश्मे छोड़ गए और कैसे कैसे उम्दा महल छोड़ गए, दोबारा उनमें उनको आना नसीब नहीं हुआ। लिहाजा ये वक्ती तौर पर अगर तुम्हें धचका लगा है और दुश्मन को तुम्हारे ऊपर गलबा मिला है तो उसकी वजह से हौसलों को पस्त मत करो, अंजाम कार फतेह हक की होगी। अल्लाह फरमाता हादा बयानुल लिन्नास, ये बयान है सारी दुनिया के इंसानों के लिए, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उस सब के लिए आंखें खोलने के लिए ये बात काफ़ी है कि दुनिया में हमेशा जंग हुई है, हक व बातिल का मारका हुआ है, मगर गालिब हमेशा हक हुआ है और बातिल मगलूब हो, अंजाम यही हुआ। फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्लेआम किया, ऐसे थोड़ी डूबा, लेकिन डूबा आखिर न फिरौन रहा, न फिरौनी रहे, न लश्कर रहा, न हुकूमत रही। ये बयान कुरान का ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। अगर वक्ती तौर पर तुम्हें मुसलमानों के मुकाबले में गलबा मिल गया तो बगले मत बजाओ, नाज मत करो, तो दुनिया में होता है, अंजाम देखो अंजाम क्या है। अल्लाह फरमाता है ये आंखें खोलने के लिए तो सबके लिए है, मगर इससे फायदा हर कौम नहीं उठाएगी। कौन उठाएगा? ईमान वाले। फरमा वहुदं व मौइदतुल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत और नसीहत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। जो अल्लाह से डरेंगे वही इस पर अमल करेंगे, और जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं है वो बार बार हारें और बार बार कत्ले आम का अंजाम देखें और फिर वही हरकत। फिरौन को डूबा, फिरौनी डूबे, कारून धसाया गया, नमरूद के सर पे जूते पड़े, और इसी तरीके से हर ज़माने में यही होता आया है। लेकिन फिर भी हक की मुखालिफत करने वाले कल भी थे आज भी हैं। मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा बनाने वाले, फलस्तीनियों पर मदालिम ढाने वाले, ये सब बातिल परस्त थे, ये सब देख चुके हैं क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान वला तहिनू, हिम्मत मत हारो, वला तहजनू, और हद से ज्यादा गम भी न करो। वांतुमुल आलून, इस वक्ती और आर्जी पस्ती और जख्म के बावजूद अल्लाह का वादा है अंतुमुल आलून, तुम ही सरबलंद रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर ईमान के तकादे पर तुमने अमल किया तो वक्ती तौर पर जख्म आए हैं, ये तो दुनिया में होता रहता है, लेकिन आखिर अंजाम कार गलबा तुम्ही को मिलेगा। इसीलिए कहा वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, और फिर जो तू गालिब नहीं, कुछ है कसर ईमान में, अल्लाह कह रहा तुम गालिब रहोगे अगर ईमान वाले हो। और हमें गलबा नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि अल्लाह का वादा तो सच्चा है, अल्लाह को कुदरत भी है, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ कमी है। मेरा एतबार उल्फत जो न हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन
अभी मुझ में कुछ कमी है। अल्लाह का वादा सच्चा है, कुरान के वादे सच्चे हैं, हमारे अंदर ईमान में हमारे कमी है। अल्लाह ताला ने फिर सहाबा को कैसे तसल्ली दी, क्यों गमजदा हो, चोट खाली तुम्हारे लगी है क्या, जो तुम्हारा दुश्मन है उसके डबल चोट लग चुकी है। क्या कहा खुदा ने, इयम सस्कुम करहुन, अगर तुम्हें पहुंचा है एक जख्म, फकत मसल कौम करहुम मिसलुहू, तो पहुंच चुका है तुम्हारी मुखालिफ कौम को इसी जैसा जख्म। 70 शहीद हुए ना, और बद्र में तुमने क्या किया था, उनके 70 आदमियों को कत्ल किया था और 70 को गिरफ्तार, तुम्हारा तो कोई आदमी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, खाली 70 शहीद ही तो हुए हैं। तुम्हें अगर जख्म पहुंचाए तो अपना दिल थोड़ा ना करो, तुम इससे डबल जख्म पहुंचा चुके हो। फिर क्या कहा खुदा ने, वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन ऐसे हैं जिनको हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। मतलब इन दिनों से मुराद कभी ये कौम गालिब है, वो कौम नीचे चली गई, कभी ये कौम जीत गई, वो कौम हार गई, कभी इनको आर्दी शिकस्त हो गई, कभी उनको आर्दी गलबा मिल गया। ये दुख और सुख, राहत और गम, ये एक कौम के साथ नहीं, हमारी आदत है, हम दुनिया में इसको बदलते रहते हैं। कभी कोई कौम गालिब है, कभी कोई कौम मगलूब है, इसका ये मतलब नहीं जिसको गलबा मिला हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अय अल्लाह आप हुकूमत के मालिक हैं। तूतिल मुल्क मन तशा वतंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहते आप हुकूमत देते हैं, जिससे चाहते छीन लेते हैं, लेकिन जिसको आप हुकूमत देते हैं जरूरी नहीं आप उससे मोहब्बत भी करते हो। आपके काम में हिकमतें होती हैं, आपके काम में हिकमतें हैं। अल्लाह कहता है ये जो दिन हैं इनको हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, कभी तुम्हें गलबा मिला, कभी उनको गलबा मिला, कभी इनको कामयाबी मिली, कभी तुमको कामयाबी मिली, ये तो बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं, हमें तुमसे नफरत है इसलिए नहीं, हमें उनसे मोहब्बत है इसलिए नहीं, हमारे कामों में बड़ी हिकमतें हैं, तुम्हें नहीं पता क्या हिकमतें हैं मालिक। चंद हिकमतें अल्लाह ने बयान की, सुनिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ। ये कभी कभी मुसीबत आती है, जंग होती है, हालात बड़े खराब हो जाते हैं, बड़ी जहमतें मशक्कत उठाना पड़ती, क्यों, ताकि हम इम्तिहान ले लें वफादार कौन है और बोलो बेवफा कौन है, सच्चा मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। खाली इस्लाम का दावा कर रहा है, सच्चा मोमिन ही टिकेगा, चाहे जितनी मशक्कतें मुसीबतें बर्दाश्त करे फिर भी अल्लाह ताला के दर को वो छोड़ता नहीं है। नुकसान पे नुकसान, बीमारियों पे बीमारियां। अच्छा अब नहीं पढ़ेंगे नमाज, बीमारी बीमारी आ रही, कोई मोमिन ऐसा नहीं, जितनी तकलीफ हो रही है उतने ही अल्लाह ताला से के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माँ अपने बच्चे को मार रही है और बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी माँ के चिमटे चला जा रहा है, माँ ही को चिपट रहा है, कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है युहिब्बु रहूं कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह, ये बुतों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में बड़े पक्के हैं, नफा हो या नुकसान हो मगर अल्लाह का दर कभी छोड़ते नहीं हैं। और ये क्या है, अगर यहाँ फायदा नहीं हो तो वहाँ चले गए, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले गए, ये होता फायदे। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये हालात आते क्यों हैं, दिनों को बदलते रहते हैं, कभी ये गालिब कभी वो मगलूब, ये क्यों है, हम चाहें तो हमेशा ईमान वाले गालिब रहे मगर ऐसा नहीं हो करते हम, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। उनमें से एक हिकमत क्या है, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को जो वाकई ईमान वाले हैं। तो क्या अल्लाह को पहले से पता नहीं कौन ईमान वाला है, अल्लाह को तो मालूम है,
अल्लाह दुनिया के सामने भी बताना चाहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों में कुछ खराब लोग भी शामिल हो जाते हैं। अच्छे लोगों के कपड़े खराब लोग भी पहन लेते हैं, लिहाजा सब अच्छे नहीं हो जाते हैं। फर्क कैसे होगा असली और नकली का, ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का, फर्क कैसे होगा? इम्तिहान जब तक नहीं लिया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं होगा। इम्तिहान जरूरी है। अल्लाह फरमाता अली वलियालम अल्लाहुल्लजीना आमनू, ताकि अल्लाह जान ले कौन है ईमान वाले और दुनिया को बता दे ये मुखलिस है। अब उहद का मैदान क्या हुआ, 1000 गए, देखा वो 3000 हैं, तो उनमें से 300 आदमी निकल लिए मुसलमानों के लश्कर से, कलमा ये सब पढ़ते थे, मगर वो 300 कहने लगे ये कोई लड़ने की मौका नहीं है, मदीने में रह के लड़ रहे थे, यहाँ लेके आए तो मरना है खाली, हम नहीं लड़ेंगे, और 300 आदमी चले गए। ये 300 आदमी क्यों निकले? ताकि पहचान लिया जाए ये 700 जो हैं ये पक्के हैं, मुखलिस हैं, ये सच्चे आशिक हैं, ये वाकई कामिल ईमान वाले हैं, और 300 कौन है, मुनाफिक हैं, दूध को दूध से मक्खी की तरह निकाल के खुदा ने उनको फेंक दिया। 700 जंग ओहद में रहे सरकार के साथ, 700 थे कितने, 1000, 700 जंग ओहद में रहे सरकार के साथ, और 300 कौन थे जो जान बचा कर निकले, कौन थे वो मुनाफिक थे। अगर ये हालात ना होते, दस्तरखान बिछा होता तो वो भी कहीं नहीं जाते, दोस्त और दुश्मन में तमीज ना हो पाती। इम्तिहान मुश्किलात में होता है, दस्तरखान पे तो सभी दोस्ती नजर आते हैं, नजर आते हैं सब खुश खुश कि जब तक 4 पैसे हैं, और नहीं नजर आएगा कोई मुफलिसी में आप कैसे हैं, जब तक है सब दोस्त बने हुए हैं, जब परेशानी का जमाना आया सब मुखलिस लोग रहेंगे वो साथ में रहेंगे, दुख में भी दर्द। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये दिनों को हम बदलते रहते हैं, बदलने की वजह बहुत सी हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये ताकि अल्लाह जान ले जो ईमान, एक बात। दूसरी हिकमत, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने दुनिया में और आखिरत में 4 किस्म के लोगों को हम इनाम देंगे, बड़े बड़े इनाम, 4 इनाम सबसे बड़े हैं, इनसे बड़े कोई इनाम नहीं। एक है नबुवत, एक है सिद्दीकियत, एक है शहादत, और एक है बुजुर्गी, ये 4 इनाम हैं। कारून का खजाना इनाम नहीं है, अल्लाह का इनाम मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शहदा व सालिहीन, 4 तरह के। सबसे बड़ा इनाम नबियों को मिलता है, नबी बनाया जाता है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं। दूसरा इनाम सिद्दीकीन को मिलता है, सिद्दीक अकबर उनमें सबसे बड़े। तीसरा इनाम शहादत है, और चौथा बुजुर्गी है, सलाह है, तकवा है। तो अल्लाह कहता है शहादत एक इनाम है, और ये इनाम तुम्हें मिलना था, ये शहादत कब मिलेगी, जब मुसलमान जीतेंगे तब मिलेगी शहादत, बोलो, जब मुसलमान गालिब होंगे दुश्मनों पर तो शहादत मिलेगी। अरे ये तो दुश्मनों को पीस कर रख देंगे, इनके चोट ही नहीं आएगी। हमें तुम में से बाद लोगों को शहीद भी बनाना था, शहादत का दर्जा अता करना था, शहादत का रुतबा अता करना था। अगर जख्म न लगे, अगर मुसलमान कत्ल न हो, तो फिर शहादत का इनाम घर बैठे मिलेगा। और शहादत कितना बड़ा इनाम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तमन्ना की, अल्लाह के रास्ते में मुझे, मैं जिहाद करूं और फिर मुझे शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया, फिर शहीद किया जाए। इतना बड़ा इनाम शहादत है। सहाबा ने क्या कहा था जब उनको बताया गया 70 आदमी अगर तुमने इनको फिदिया लेके छोड़ा तो आइंदा जंग में तुम्हारे 70 आदमी शहीद होंगे, सहाबा ने मंजूर किया ना मंजूर किया? मंजूर, अरे शहादत मिलेगी, कोई नुकसान थोड़ी है, इसी की तलाश में तो हम निकले हैं, ये तो हमारी मुराद है, ये तो हमारी तमन्ना है, वो शहादत से घबराते कहाँ थे। हजरत
हजरत साद बिन वक्कास ने ईरान की जंग में रुस्तम से कहा था, जो ईरान का बड़ा मशहूर पहलवान है, तुम्हें पता है हमारे साथ वो ईमान वाले आए हैं तुमसे मुकाबले के लिए, वो मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे ईरानी शराब से मोहब्बत करते हैं। ईरानियों को शराब से मोहब्बत है, इनको मौत से मोहब्बत है, ये सब शहादत वाले हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने ईमान कबूल करने के बाद मैदान जंग में जीरा पहनना छोड़ दी, जो लोहे का लिबास होता है तलवार का जख्म ना लगे, हजरत हमजा ने उसको पहनने ही छोड़ दिया। क्यों? शहादत मिल जाए। एक जीरा थी, हजरत उमर और उनके भाई, हजरत उमर अपने भाई से कह रहे तुम पहन लो, और भाई हजरत उमर से कह रहे हैं तुम पहन लो, और दोनों को शहादत चाहिए, ना इन्होंने पहनी ना उन्होंने पहनी, ये है शहादत। अल्लाह अकबर। बच्चा बच्चा शहादत के शौक में बेताब था। हजरत अली जब शहीद हुए तो क्या कहा उन्होंने, याद है, फुज्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यही चाहिए था। शहादत को रोने रुलाने की चीज है? हाँ, उनके वहां जरूर शहादत रोने की चीज है, शहादत मकरूह है, शहादत बड़ी खतरनाक चीज है, शहादत मुसीबत की चीज है, गम मनाने की चीज है, मर्जी की चीज है। मतलब कब शहादत हुई और अब तक बताइए? हमारी निस्बतें शेरे खुदा हजरत अली से हैं, हमारी निस्बतें शेरे खुदा हजरत अली से है। मियाँ मालूम है शेरों का घर मातम नहीं होता, हजरत अली के वहां मातम हुआ था, फुस्तु व रब्बिल काबा, इसका मतलब ये जो मातम कर रहे हैं इनका हजरत अली से कोई ताल्लुक नहीं है, शहीदों से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने तो शहादत को एक तमाशा बना दिया, शहादत की तौहीन की, और मालूम क्या कहा कि अल्लाह के नबी, इस्लाम कुरान तो ये कहता है अल्लाह के नबी शहादत की तमन्ना करते थे, शहादत एक नेमत है, हदीस भी यही कहती है। ये क्या बताते हैं? शहादत मुसीबत है, अल्लाह के नबी को शहादत पसंद नहीं थी। देखा आपने, ये मजहब कुरान और सुन्नत के खिलाफ, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो वो इस्लाम नहीं, कोई और मजहब होगा। अरे होगा नहीं होगा? एक रिवायत गढ़ ली, कहने लगे जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की विलादत होने वाली थी तो वो जिब्रील आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे आपके वहाँ, आपकी बेटी के वहाँ एक लड़का पैदा होगा, मगर उसे कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो आपने कहा मुझे ऐसा नवासा नहीं चाहिए। देखा आपने, यानी इसका मतलब शहीद कर दिया, हुजूर ने कह दिया मुझे नवासा ही नहीं चाहिए, अल्लाह का इनाम ही नहीं चाहिए। और फिर जिब्रील आए, फिर यही कहा, फिर जिब्रील आए, फिर यही कहा। आप बताए अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म को अभी रद्द किया है? जब अल्लाह ने कहा कुलू, ये कहो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो पूरी दुनिया में कुफर और शिर्क के अलावा कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ये हम नहीं ऐलान करेंगे, कहा कभी है? तो नबी अल्लाह के इनाम को रद्द कर दें, ये तो नबी के मकाम के खिलाफ, नबी की तौहीन है, शहादत की तौहीन है। खैर, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी शहीद तो हो जाएगा ये बेटा, मगर इसकी औलाद में इमाम पैदा होंगे, इसकी औलाद में इमाम पैदा होंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। पहले शहादत नहीं पसंद की, जब नबी को मादल्ला लालच दिया गया इनकी औलाद में इमाम पैदा होंगे, तो नबी ने कहा ठीक है। फिर हजरत फातिमा जहरा से आपने आके कहा जिब्रील आए हैं और वो कह रहे तुम्हारे वहाँ एक बेटा पैदा होगा, मगर वो शहीद कर दिया। हजरत फातिमा ने कहा मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी की तौहीन, अब नबी की बेटी हजरत फातिमा जहरा की तौहीन। और फिर एक मरतबा ने, दो मरतबा, तीन मरतबा फिर उनसे भी कहा मगर इस लड़के की औलाद में इमाम होंगे, तो कहें फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हजरत हुसैन को पता चला कि साहब मेरी माँ ने
कहा कि ठीक है इमाम होंगे तो शहीद कर दिया, कोई हजरत हजरत हुसैन हजरत फातिमा से गुस्सा हो गए और इतना गुस्सा हो गए माजल्ला, उन्होंने कहा हम तुम्हारा दूध ही नहीं पियेंगे, उन्होंने दूध ही नहीं पिया। वो अल्लाह के नबी के पास लाए जाते थे, अंगूठा चूसते थे, उनका पेट भर जाता था और हजरत फातिमा जहरा से गोया कि हजरत हुसैन में फातिमा जहरा में लड़ाई और नफरत थी। ये सब है, ये सब काहे के लिए, शहादत अच्छी चीज नहीं है, रोने रुलाने की चीज, ये सब करने के लिए रिवायत गढ़ी गई। तो शहादत क्या है? इनाम है। अल्लाह ताला फरमाता है ये हर वक्त मुसलमानों को गलबा नहीं मिलता, मुसलमानों को धचके लगते हैं, चोटें लगती हैं, ऐसा क्यों है? अल्लाह कहता है इसमें हिकमतें हैं। क्या हिकमत है? एक तो इम्तिहान लेना है कि मुखलिस कौन है मुनाफिक कौन, दूसरी हिकमत तुम्हें हमें शहादत का इनाम देना था। अगर सारे लोग गालिब रहें और कभी चोट ना लगे तो कोई शहीद नहीं होगा, और शहीद तो होंगे कयामत के दिन, और शहीदों के सरदार भी होंगे कौन? हजरते हमजा रजी अल्लाह ताला। दो हिकमत। तीसरी हिकमत फिर अल्लाह आगे कह रहा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अगर जालिम लोग कभी जीत जाए इलेक्शन में, जंग में, दसीसाकारी से, फरेबकारी से, जुल्म से, ज्यादती से, तो ये न समझना कि दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, ये अल्लाह के चहीते थे इसीलिए ये लोग जीत गए, ये न सोचना। इसलिए कि अल्लाह ताला दो चीजें हैं, एक ईमान और एक दुनिया की दौलत। ईमान अल्लाह सिर्फ उनको देता है जिनसे मोहब्बत करता है, और दुनिया की दौलत ईमान वालों को भी देता है जिनसे मोहब्बत करता है, और उनको भी देता है जिनसे मोहब्बत नहीं करता। पूरी दुनिया पे हुकूमत चार इंसानों ने की, चार आदमी, दो ईमान वाले दो काफिर। तो दुनिया है ना, हुकूमत है, वो अल्लाह उनको भी देता जिनसे मोहब्बत करता है, मोमिन से मोहब्बत करता उनको भी दी, उनको भी देता है जिनसे मोहब्बत नहीं करता काफिरों को भी दी। वो चार आदमी कौन है? दो काफिर, एक तो नमरूद है, इसकी हुकूमत पूरी दुनिया पे हुई और आखिर में इसके सर पे जूते लगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया। दूसरे बुख्त नस्र, बुख्त नस्र बड़ा जालिम बादशाह था, और ईमान वालों में एक तो पैगंबर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दूसरे ज़ुल्करनैन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। तो गर्दे की अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अगर हम इख्तदार किसी को देते हुकूमत देते हैं तो इस वसवसे में मुब्तला ना होना, हमें इससे मोहब्बत है। अल्लाह के काम में हिकमतें होती हैं, तुम्हें शहादत मिल जाए इसलिए उनको गलबा मिला, ना मालूम क्या हिकमत होगी। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, काफिरों के गलबे का ये मतलब नहीं है, अल्लाह को उनसे मोहब्बत है, इसी में हिकमत है, तुम्हारा इम्तिहान हो जाए, तुम्हें शहादत का इनाम मिल जाए। और तीसरी हिकमत वलियुमख्खिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को खूब पाक कर दे। और सोना जो है उसमें मैल वगैरह जब होता है तो कैसे साफ होता है? वो कैसे? भट्टी में बाकायदा उसे तपाया जाता है तब कहीं। इसी तरीके से ईमान वाले जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों से जब पाक किया जाता है तो पहले उनको तपाना पड़ता है, इम्तिहान लेना होता है, मुश्किलात से गुजारना होता है, बीमारियों में मुब्तला कर देता है अल्लाह, मुश्किलात होती हैं, इससे क्या होता है? बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचाना चाहता है मगर उसके अमल थोड़े हैं, खाली फर्द नमाज पढ़ता, नफले ताजुद अजुद नहीं पढ़ता है, अल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचाना चाहता है, अपने अमल की वजह से वहां तक पहुंचने के लायक नहीं, तो अल्लाह क्या कर देता है? इसको बीमार कर देता है। अब लंबी बीमारी झेल रहा है,
इस बीमारी के नतीजे में उस पर सब्र करता है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। नतीजा क्या होता है? वो गुनाहों से पाक हो जाता है। उसके दर्जे, अगर गुनहगार है तो गुनाहों से पाक होता है, और अगर नेक आदमी है तो उसके दर्जे बुलंद होते चले जाते। तो बीमार होने में भी हिकमत है। आपने फरमा बुखार को बुरा ना कहा करो, ला तसुब्बुल हुम्मा। ये बुखार मोमिन के लिए क्या है? गुनाहों की माफी का जरिया है। हदीस में आता है, कोई काटा भी अगर ईमान वाले को चुभता है, उसकी रग भी अगर धड़कती है, तो उसके बदले में अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता है, उसके दर्जे को बुलंद करता है। लिहाजा जो मैदान उहद में तुम्हें जख्म लगा, इतने लोग शहीद हो गए और तुम्हें गम पहुंचाए, इसकी परेशान मत हो, इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। शहीद बनाना था, कितने शहीद बनाए अल्लाह ने उहद में? 70। अगर तुम जीत जाते तो शहादत तुम्हें कैसे मिलती? और वलयुमहिसल लदीना आमनु, ताकि अल्लाह पाक कर दे ईमान वालों को। वयमहकल काफिरीन, चौथी हिकमत, काफिरों को मिटाना मकसूद था। अब ये समझ में नहीं आएगी बात, अल्लाह जब काफिरों को मिटाना था तो उनको गलबा क्यों दिया आपने? वो तो जीत गए, और आप कह रहे हैं कि काफिरों को मिटाना था, काफिरों को मिटाना था। का यही तो बात है समझने की, जब उनको थोड़ा सा हम आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर जब हम उन्हें गलबा दे देंगे तो काफिर लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर बोलो बैठ जाएंगे? अरे और ताकत से वो आएंगे मुकाबले में, जब और ताकत से मुकाबले में आएंगे तो हम उनको तुम्हारे मुकाबले में ढेर कर देंगे। अगर पहली मर्तबा में वो जख्मी हो जाएंगे, वो बड़े कम हिम्मत बुजदिल होते हैं, दोबारा लड़ने के लिए आएंगे ही नहीं। वयमहकल काफिरीन, और ताकि अल्लाह इन काफिरों को मिटा दे। अल्लाह ताला फिर फरमाता है, देखो कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग, तुम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, कहाँ के हो? लखनऊ के? अकेले नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं तुम, तुम्हारा असली घर ये है ही नहीं, तुम सब के सब जन्नत के रहने वाले हो। तुम्हारे अब्बा कहाँ के थे? अरे सबके सबके अब्बा, तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? हैं, जन्नत से आए थे ना। लिहाजा तुम्हारा आबाई घर कहाँ है? जन्नत है, और जन्नत बड़ी कीमती है, और कीमती चीज फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं ताजमहल को। तो ताजमहल में इतनी खूबसूरती कैसे है? उन पत्थर लगा के खड़ा कर दिया गया, उन पत्थरों को तराशा गया, तराशने के बाद वो इतना खूबसूरत बना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दरख्त की पत्तियां जब छांट दी जाती हैं तो उनमें फूल आते हैं, उनमें फल आते हैं। तो तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह फरमाता, ये जो हालात आते हैं मुसलमानों पर, तुम क्या समझ रहे हो ये सब जन्नत की कीमत अदा हो रही है? अम हसिब तुम, क्या तुमने ये समझ रखा था? अंतदखुलुल जन्ना, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे आराम से। वलम्मा यालमिल्लाहु लदीन जाहदू मिनकुम, हालांकि अल्लाह ने अभी नहीं जाना तुम में से कौन जिहाद करने वाले हैं। वयालम साबिरीन, और कौन अल्लाह के रास्ते में साबित कदम रहने वाले हैं। अभी इम्तिहान कहाँ हुआ? हर आदमी जन्नत में चला जाए, जो अल्लाह के रास्ते में साबित कदम रहेंगे वही जन्नत के मुस्तहिक। देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं। देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, दुनिया की कोई कीमती चीज हो या आखिरत की कोई कीमती चीज हो, कोई भी कीमती चीज बगैर मेहनत के। बोलो आईएएस और पीसीएस जो लोग बनते हैं ये बिल्कुल खेलते रहते, कोई मेहनत नहीं करते, रात रात में जागते नहीं है लोग, हैं? बड़ी मेहनत करना पड़ती है तब कहीं कुछ होता है। तो जन्नत ऐसी मिल जाएगी? लिहाजा तुम्हारा जो इम्तिहान लिया गया, 70 शहीद हो गए, जख्मी हुए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की चोट लगी, आपकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, ये सब क्या है? ये तुम्हारा इम्तिहान था,
और अल्हम्दुलिल्लाह तुम साबित कदम रहे, तुम सब जन्नत के मुस्तहिक हो। अल्लाह कहता और एक बात, वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तलक़ूह, और तुम लोग तो मौत की तमन्ना करते थे, मौत सामने आने से पहले मौत की तमन्ना करते थे। ये क्या मतलब है? याद कीजिए, जो लोग बद्र में सहाबा शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने कहा आपकी अगर कोई मौका मिलेगा तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। वो जो नौजवान थे वो क्या कह रहे थे? मदीने में रह के नहीं लड़ेंगे, कहाँ, बाहर जाके लड़ेंगे। काहे के लिए? जान कुर्बान करेंगे। तुम तो तमन्ना रखते थे। अब जब मैदान उहद में मौत सामने नजर आई, तुम्हारा इम्तिहान हुआ, तो तुम मैदान जंग से क्यों हट गए? क्या कहा अल्लाह ताला ने, वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तलक़ूह, और तुम तो तमन्ना करते थे मौत की इससे मुलाकात से पहले, फ़कत रायतुमू, और तुमने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, वअंतुम तंजुरून, और तुम खुली आंखों से देख लिया तुमने, और उसके बाद फिर पीछे हटना कैसा, अब आगे बढ़ो जिस चीज़ की तमन्ना कर रहे थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा सहाबा को गम क्या था? 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन सबसे बड़ा गम जो क्या था, जिसने जंग के नक्शे को बदल के रख दिया, वो क्या था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। झूठी खबर, इस खबर को सुनना था कि सहाबे किराम सब कुछ सुन सकते थे मगर ये नहीं सुन सकते थे, सारे हौसले उनके पस्त हो गए। इसलिए उनको देख के तमन्ना जीते थे सहाबा। एक सहाबी आए और कह रहे, अल्लाह के रसूल, जब मैं घर पे होता हूँ और जैसे ही तबीयत घबराती है फौरन मैं आपकी मजलिस में आ जाता हूँ, आपके चेहरे अनवर की जियारत कर लेता हूँ, सुकून मिल जाता है, लेकिन एकदम से मुझे बेचैनी इस बात की है कि अगर मरने के बाद जन्नत में गए, आपकी तो जन्नत बहुत आला दर्जे की है और हम पता नहीं जन्नत में गए नहीं है, और अगर गए भी तो कहाँ आपकी जन्नत हो, कहाँ हम, और जन्नत में अगर आपके दीदार नहीं हुआ तो बड़ी घबराहट होगी, बड़ी उलझन होगी। हुजूर भी खामोश हो गए, कुरान की आयत ना दी हुई। सहाबा को अगर मालूम हो जाता हम सब अपनी जान दे दें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मिनट बढ़ जाएगा तो सारे सहाबा अपनी जान खुशी से दे देते। अल्लाह के नबी की वफात की खबर सुनना था, सहाबा के हालत दिगरगू हो गई, कुछ बैठ गए। उधर से गुजरे एक सहाबी, कहने क्या हुआ, काहे बैठो? कहने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा तो फिर जिंदा रह के क्या करोगे? अरे नबी के दीन पर जान दे दो। ये कहा और घुस गए जख्मियों को उसके अंदर, दुश्मनों में, और 80 से ज्यादा उनकी लाश पर जख्म लगे और उनको उंगलियों के पोरों से पहचाना गया। मुंह तो वाला मामाता रसूलुल्लाह, उसी पर जान दे दो जिस पर अल्लाह के नबी ने जान दे दी, जिंदा रह के क्या करो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी और क्या कहा, नबी के इंतकाल पर है ये गम की चीज, बहुत गम की चीज है, लेकिन नबी के बारे में अपना तसव्वुर बदलो। नबी खुदा नहीं है, नबी इंसान है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, अल्लाह के अलावा जितने भी हैं सबको जाना है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको जाना है। लिहाजा अगर नबी दुनिया से चले जाएंगे तो तुम अपने हौसले पस्त कर दोगे, तुम पीछे पलट जाओगे। नबी का जो लाया हुआ मिशन है, नबी के जाने के बाद इस मिशन को मजबूत करना है, इसको और ताकत से लेकर के बढ़ना, ये नबी से सच्ची मोहब्बत है, अपने हौसले पस्त न करो। क्या कहा खुदा ने, उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे मगर सिर्फ रसूल, यानी खुदा नहीं थे, खुदा को मौत नहीं आएगी, अल्लाह के अलावा जितने भी हैं सबके ऊपर मौत तारी होगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलक हो जाएगी सिवाय अल्लाह की जात के। कुल्लु मन अलैया फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, सब फना हो जाएंगे सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मौत का सन्नाटा होगा, ऐसा सन्नाटा होगा यानी फरिश्ते भी मर जाएंगे, जिब्रील भी मर जाएंगे, इसराफील भी मर जाएंगे,
अल्लाह ताला कहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम तुमने सूर फूका सब मर गए, कौन कौन बचा? कहले जिब्रील, मिकाइल, इज़राइल, अरे तुम भी मर जाओ, वो भी मर गए। इसराफील तुम भी मर जाओ, वो भी मर गए। अब कोई बाकी नहीं, सब मौत का सन्नाटा। अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी है हुकूमत? तो सब तो मुर्दा है, जवाब कौन दे? अल्लाह खुद ही जवाब देगा, क्या? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उस अल्लाह की हुकूमत है जो अकेला है और हर चीज पर गालिब है। तो इंतकाल तो सबका होना है। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, ये खबर क्यों उड़ी? ओहद के मैदान में सहाबा के पांव उखड़ गए, सहाबा को गम हुआ, ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि एक दिन नबी की वफात वाकई होना थी। पहले से ही अल्लाह ताला ने सहाबे किराम को सबक दे दिया कि नबी की वफात के बाद बिल्कुल हाथ पैर न छोड़ देना, बल्कि दीन की खिदमत तुम्ही को करना है। नबुवत का सिलसिला अब बंद हो चुका, नबी वाला काम तुम्ही को करना है। नबी की जब वफात हुई वाकई, तो सहाबा के ऊपर गमतारी और कयामत कुबरा। हजरत उमर तो बेख्तियार थे, कहते थे जो कहेगा नबी का इंतकाम कलम कर देंगे, सर उसका तलवार की टहल ले। हजरत अली बैठे हुए हैं, उस्मान गनी खामोश है, बोलते ही नहीं है, सब होश में, कोई नहीं, एक अकेला आदमी होश में है। कुरान की ये तालीम उनके सामने थी, यही कुरान की आयत, और वो कौन है जो सबसे बड़े आशिक हैं? हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला। वो आए और आने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत अच्छी थी, और सिद्दीक अकबर हर वक्त नबी के साथ रहते थे। उस दिन अबू बकर वहाँ नहीं थे जब आपकी वफात हुई, उनकी एक बीवी रहती थी मदीने से थोड़े फासले पे। अल्लाह के नबी की तबीयत, फजर की नमाज पढ़ाई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबा अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर बहुत खुश हुए, पर्दा गिरा दिया। सिद्दीक अकबर ने देखा आज तो हुजूर बहुत खुश हैं, तबीयत बहुत ठीक है, इजाज़त मांगी, वहाँ हो आए हम अपने घर पे। आपने फरमा जाओ। और ये होता है जब आदमी मरने वाला होता है तो मरने से थोड़ी देर पहले उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती, लोग समझते हैं अब ठीक हो गए, और फिर तबीयत बिगड़ती है। इसको कहते हैं संभाला। क्या कहते हैं? संभाला। तबीयत संभल गई और फिर एकदम। तो हजरत सिद्दीक अकबर चले गए, यहाँ आपकी वफात हो गई। एक आदमी पहुँचा इत्तिला करने के लिए, हजरत सिद्दीक अकबर सीधे हुजरे में, और चादर हटा के आपके मुबारक चेहरे को चूमा, पेशानी को, और कहा वाह सफ़िया, वाह खलीला, वाह नबिया, मेरे खलील, मेरे नबी, मेरे महबूब, आप ज़िंदगी में भी मुबारक थे, आप मरने के बाद भी मुबारक। और फिर आए हजरत उमर से कहा रुको बैठ जाओ, और हजरत उमर तो अपने हाल ही में नहीं थे, छोड़ दिया उनको, और मिंबर पे पहुँचे। और जब वो मिंबर पे पहुँचे तो सारे सहाबा पहुँच गए उनके पास, उन्होंने एक तकरीर की। तकरीर में यही कुरान की आयत पढ़ी, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे मगर अल्लाह के रसूल, खुदा नहीं थे। अफई माता कुतिलन कलब तुम, क्या उनका अगर इंतकाल हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाए तो दीन छोड़ दोगे? सिद्दीक अकबर ने कहा नबी का वफात हो गई, और नबी की वफात की खबर कुरान में मौजूद है, और कुरान की यह आयत पढ़ी, एक और आयत पढ़ी, इन्नका मय्यतुन वहुम मय्यतुन, जो आपके मरने पर खुशियां मनाना चाहते हैं ये भी मरेंगे, और आपका भी इंतकाल होगा। सारे सहाबा को होश आ गया, और सारे सहाबा कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे, तो कह रहे थे ये आयत तो ऐसा लगता था हम भूल गए थे, आज ही नाजिल हुई। गर्दे की सबको संभाला किसने? हजरत सिद्दीक अकबर ने। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर रसूल ही तो हैं, खुदा नहीं है। कद खलत मिन कबलिहि रसूल, और गुजर चुके हैं आपसे पहले बहुत से रसूल। कितने रसूल और नबी? 1,00,000, और सबका इंतकाल हुआ।
तो इस तरह मोहम्मद सल्लम का भी अफाई माता कुतिलन कलब तुम, क्या अगर इंतकाल हो जाए नबी का या उनको शहीद कर दिया जाए, इन कलब तुम अलाकाबिकुम, क्या अपनी एड़ियों के बल तुम उलट जाओगे, उल्टे फिर जाओगे कि तुम दीन छोड़ दोगे। याद रखो अल्लाह का दीन तो सलामत रहेगा, जो दीन पर कायम रहेगा वो सलामत रहेगा, जो दीन को छोड़ेगा वो बर्बाद। وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, और जो शख्स उल्टा फिर जाएगा, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह के दीन का कुछ नुकसान नहीं होगा, उसी का नुकसान होगा। और जो लोग दीन पर साबित कदम रहेंगे, दीन की खिदमत करते रहेंगे, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर ने तमाम सहाबा को संभाला, और जैसे दीन में तब्दीली की आवाज उठी, क्या आवाज उठी सबसे पहले कि ज़कात नहीं देंगे, सारे सहाबा एक तरफ, सिद्दीक अकबर एक तरफ, कहले अल्लाह के नबी के जमाने में जो ऊंट देता था और ऊंट के साथ में रस्सी देता था, अगर जकात में आज रस्सी नहीं देगा मैं खुदा की कसम उससे जिहाद करूंगा। सिद्दीक अकबर सबसे नरम थे, सबसे गरम हो गए, सब नरम, सिद्दीक अकबर गरम। हजरते बाद में सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा तो सारे सहाबा ने कहा भाई ये राय मशवरा था, वही करेंगे जो आप हुक्म देंगे। चुनाचे सिद्दीक अकबर के इस फैसले से जितने फितने थे सब खत्म हो गए। तो मालूम साहबा ने क्या कहा, एक साहब आए मदीने में तो देखा बड़ा मजमा है और एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा आदमी उसकी पेशानी को चूम रहा है, तो कहने ये कौन साहब हैं, तो कहा ये खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक हैं। ये चूमने वाला कौन है, का ये हजरत उमर हैं। ये काहे पे चूम रहे हैं कि हजरत नबी की वफात के बाद जो फितना उठा था, सिद्दीक अकबर तुमने जो उसका इलाज किया या बड़ा कामयाब इलाज है, तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक। हजरत अबू हुरैरा तो कहते थे अगर अबू बकर सिद्दीक खलीफा ना होते नबी के बाद तो अल्लाह की इबादत ना होती, दीन सलामत नहीं रहता। इसलिए सब तो कह रहे थे इनसे नरमी का मामला कर लो। सिद्दीक अकबर कह रहे नहीं, अयुन कसुद्दीन वाना हयुन, दीन में कमी हो जाए मैं जिंदा रहूं ये तो हो ही नहीं सकता। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, सिद्दीक अकबर ने सहाबा से क्या कहा, दीन में कमी हो जाए और हम लोग जिंदा रहे नहीं कहा, क्या कहा, मैं जिंदा रहूं मेरे होते हुए, का ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी के दीन के अकलौते वारिस हजरत सिद्दीक अकबर थे, मेरे होते हुए मेरे बाप की जायदाद बिक जाए मेरे होते हुए, दीन में कमी हो जाए मेरे होते हुए, नहीं हो सकता। ये सलाबत उनकी, ये दीन की उनके उनकी बसीरत कि उन्होंने क्या देखा, तूफान देख लिया, जैसे देख का एक चावल लेकर पूरी देख का अंदाजा हो जाता है, ऐसे सिद्दीक अकबर ने एक कतरे से तूफान का अंदाजा कर लिया। मतलए जुल्मात पर सुबह दरख्शां देख ली, तूने एक कतरा उठाकर नब्ज़े तूफान देख ली। हर सहाबी ने हजरत सिद्दीक अकबर की तारीफ की है, तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मुसलमानों हमेशा के लिए अपने अकीदे सही करो। नबी के इंतकाल सबसे बड़ा सदमा उम्मत के लिए है, और नबी के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा सदमा क्या है, नबी के नायब और नबी के जानशीन का दुनिया से चला जाना। नबी का जानशीन और नबी का नायब कौन है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, आलिम रब्बानी आलिम हक्कानी, ये क्या है, नबी के वारिस हैं। मौतुल आलिम मौतुल आलम, किसी आलिम रब्बानी का मर जाना ये उसका मरना नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर मौत का तारी हो जाना है। आपको पता है कुरान में खुदा ने क्या कहा, फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्ज, अल्लाह करे ये सब मर गए, इनके मरने पर न आसमान रोया और न इनके मरने पर जमीन रोई। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मरने पर आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है। हदीस में आता है कि आसमान में दो दरवाजे हैं हर आदमी के लिए, एक दरवाजे से आदमी की रोजी उतरती है और एक दरवाजे से आदमी के अमल चढ़ते हैं ऊपर, नेक अमल जो करता है ऊपर चढ़ते हैं।
जब उसका इंतकाल हो जाता है, ये दोनों दरवाजे बंद होते हैं और ये रोते हैं कि एक अल्लाह के नेक बंदे का रिज्क मुझसे जाता था, ये सिलसिला ख़त्म हो गया, नेक आमाल चढ़ते थे ये ख़त्म हो गया सिलसिला, और ज़मीन के जिस जिस हिस्से पर वो इबादत करता था, ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं कि आज यहाँ पर इबादत का सिलसिला ख़त्म हो गया। इसीलिए क्या मसला है, जब फ़र्ज नमाज पढ़ो और अगर जगह हो तो नफिल पढ़ने के लिए, सुन्नत पढ़ने के लिए जगह बदल लो। फ़र्ज वाजिब नहीं है, जगह भी हो बशर्ते कि यानी जगह नहीं फिर भी घुसे जा रहे, जगह बदल लो, इधर से उधर हो जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जगह है तो बदल लो, क्यों, जहाँ फ़र्ज पढ़े हैं वो हिस्सा गवाही देगा मेरे सीने पर फ़र्ज पढ़े, और जहाँ सुन्नतें पढ़ी हैं ये हिस्सा गवाही देगा मेरे ऊपर इसने सुन्नतें अदा की। लिहाजा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जब उनकी वफात होती है तो उस पर आसमान रोता और ज़मीन रोती है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कितने दिन रोते पता, 40 दिन, कितने दिन, और रोने का मतलब क्या होता, पूरी फिजा में, हवा में, हालात में, माहौल में एक अदीब उदासी होती है, बेकैफी होती है, रौनक जैसा लगता सारी की सारी चली गई। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह वबर्रदल्लाह मज़ाह आलिम रब्बानी थे, वो नबी के सच्चे वारिस थे। नबी के सच्चे वारिस का काम क्या है, जो नबी का काम वही उसका काम। नबी ने क्या कहा था, सच्चे आलिम की अलामत यह है जब फितने जाहिर हों और बिदतों का रवाज हो वो आलिम अपनी ज़बान को बंद न करे, चाहे कोई खफा हो चाहे कोई नाराज़ हो। मौलाना की ये ख़ास सिफत थी, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की जब फितने परपा हुए। मेरे सहाबा को जब बुरा कहा जाए, हदीस में है, जब फितने जाहिर हों, कौन थे फितने जाहिर हुए, कादियानियत का फितना, कादियानियत का फितना जानते हैं आप, अल्लाह के नबी के बाद जो आदमी ये कहे मैं भी नबी हूँ तो ऐसा आदमी काफिर, नबी के बाद जो किसी को नबी मान ले वो भी काफिर। गुलाम अहमद कादियानी एक शख्स गुजरा पंजाब का अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसने नबूवत का दावा किया, बहुत से लोगों ने उसको नबी मान लिया। लखनऊ में भी कादियानी फैले, एक शख्स था और वो लखनऊ के तमाम इदारों में घूमता रहा और बड़े बड़े जिम्मेदारों से मिलता रहा, और उसने कहा मेरी बीवी कादियानी हो गई, बीवी कादियानी हो गई है, शौहर कादियानी हो गया तो क्या होगा पता है, निकाह टूट जाएगा, हरामकारी होगी, इर्तिदाद है। परेशान, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में वो मौलाना के पास आया, मौलाना फरमा तुम सही जगह पे हो, मैं इसका इलाज करूँगा। उसके बाद अपनी आराम, अपना राहत, अपना सफ़र सब छोड़ दिया और भरी दोपहरी में दौरे किए, गांव गांव के दौरे किए, अपना जानी माली सेहत का सबका नुकसान कर लिया और 4 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, मोहल्लालगंज में की और संदीले में की और सिधौली में की, मोहान में की। बहुत बात कादियानियों ने तौबा की, बाकायदा फिर से दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमानों का ईमान बचाया। आपको पता है कितना मुबारक काम है ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कोई हमला करे और कोई आदमी उससे लोगों को बचा ले, कितना पसंदीदा काम है, अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है ये काम। इतना पसंद है कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती, पाकिस्तान के थे वो, तो वो गए मदीने तय्यबा उम्रा करने और उसके बाद रोज़े अक़दस पे उन्होंने सलाम पढ़ा। उनका इरादा ये था बकिया ज़िंदगी हम अब मदीने में गुजार देंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और आपने कहा देखो मदीने में रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें और तुम पाकिस्तान जाओ, वहाँ एक मेरा बेटा है। क्या है वहाँ, मेरा एक बेटा, हुजूर बेटा कह रहे हैं, वहाँ मेरा एक बेटा है, उसका नाम है अताउल्ला शाह बुखारी, ये दारुल देवबंद के फाजिल थे, फारिग थे, बहुत बड़े आलिम थे, कादियानियत के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया था इन्होंने,
आपने फरमाया वहाँ एक मेरा बेटा है, उसका नाम अताउल्लाह शाह बुखारी है, उससे मेरा सलाम कह देना और कहना तुमने बड़ा मुबारक काम किया। अब ये आए, शाह साहब बीमार थे, चारपाई पे लेटे हुए थे। मैं मदीने गया था, हुजूर को ख्वाब में देखा, अल्लाह के नबी ने ये कहा था मेरा बेटा अताउल्लाह। जैसे कहा तो शाह साहब उछले और बेहोश हो गए और कहने फिर से बताओ हुजूर ने क्या कहा था। तो फिर बताया, फिर शाह साहब बेहोश हो गए, फिर बेहोश हो गए, तीन मरतबा बेहोश हो गए। ये इतना मुबारक काम है, ये काम किसने किया? लखनऊ की सरजमीन में कितने लोगों का ईमान बचाया। लोगों ने ये कहा कादियानी लोग हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, और कादियानी क्या करते थे पता है? पैसा खूब देते थे, शराबी को शराब का पैसा, जुआरी को जुआ खेलने का पैसा, किसानों को अपने खेती करने का पैसा। बच्चों को कादियान ले जाएंगे, फ्री तालीम देंगे, और माँ बाप को अलग से वहाँ से मंथली पैसा भी मिलेगा। पैसा किसे बुरा लगता है? इस तरीके से ईमान और यकीन का सौदा कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। हजरत ने बंद बांध दिया उनके सामने। ये इतना बड़ा मकबूल अमल है, आपको पता है वफात से एक दो रोज पहले हजरत मौलाना ने फरमाया कि भाई हम मदीने जाएंगे, अब हमें मदीने जाना है, मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। ये अलामत इस बात की थी कि अब उनका दुनिया से जाने का वक्त आ गया। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी, मैंने जब ये वाकया सुना तो फौरन मेरा जहन गया कि अब हजरत जो है दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, इसलिए कि हजरत फारूक आदम के ज़माने में एक सहाबी हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने ख्वाब देखा कि एक घोड़े पर सवार होकर मैं एक पहाड़ के करीब गया तो पहाड़ की चट्टान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, और अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और हजरत उमर नीचे हैं, और अल्लाह के नबी हजरत उमर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अबू मूसा अशरी कहते हैं ख्वाब से जैसे मैं बेदार हुआ तो मैंने कहा हजरत उमर की वफात का वक्त करीब आ गया। तो किसी ने पूछा तुमने हजरत उमर को इत्तला दी इस वाकये की? तो अबू मूसा अशरी ने कहा मैंने उनकी ज़िंदगी में उनको मौत की खबर देना अच्छा नहीं समझा, लेकिन हुआ वही। तो इसका मतलब क्या है? हुजूर क्यों बुलाएंगे? अल्लाह के नबी क्यों मोहब्बत करेंगे? अल्लाह के नबी फारूक आदम से मोहब्बत करते थे नहीं करते थे? इसी मुबारक अमल की वजह से नामालूम कितनी खूबियाँ थीं और नामालूम कितने कमालात से अल्लाह ने नवाजा था। हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना, ये उनकी ज़िंदगी का ख़ास मिशन था। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी पर गुजार दी। अल्लाह तबारक व ताला हजरत मौलाना को गरीक रहमत फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए, और पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, और उनके छोड़े हुए काम को, उनके बाद में आने वालों को उनके नक्श कदम पर चल कर उस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? किसी के मरने पर अफसोस तो तुम्हें ज़रूर होगा, लेकिन अकीदा सही रखो। क्या मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो मर जाए अल्लाह के हुक्म के बगैर। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं मर सकता। किताब मुअज्जला, और उसके मरने का वक्त अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ मुकर्रर है। ये न कहना वक्त से पहले चले गए, ये न कहना बड़ी जल्दी चले गए, नहीं, जो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है उसी वक्त के ऊपर मौत होगी। न कोई आगे एक लम्हा बढ़ सकता है, न पीछे हट सकता है। हाँ, अलबत्ता तबई तौर पर अफसोस तो होगा। जब अफसोस हो तो क्या करना चाहिए मुसलमान को? इन्ना लिल्लाही इदा असाबतुहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत के वक्त क्या कहा? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया अल्लाह तबारक व मन युरिद सवाब दुनिया नुक्तिही मिनहा, और जो आदमी दुनिया के बदले का इरादा करेगा और आखिरत की नीयत नहीं करेगा तो
तो दुनिया हम उसे देंगे जितनी चाहेंगे। ओमन यूरिस सवाबल आखिरत मुक्तिही मिनहा, और जो आदमी आखिरत की नियत करेगा, दुनिया हमें मिले ना मिले, लोग नाराज हो जाए तो नाराज हुआ करें, मगर दीन से समझौता नहीं। हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बम्बई तशरीफ ले गए, एक साहब ने उनको बुलाया और उसके बाद तकरीर के लिए बुलाया। फिर मौलाना से उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ जो आप तकरीर करें उस तकरीर में सूद के खिलाफ कोई बात ना कहें। काहे के खिलाफ? सूद के बारे में कुछ ना कहें। तो हजरत मौलाना फरमा, अच्छा इसका मतलब ये बीमारी है यहाँ, ये बीमारी यहाँ है। फिर पूरी तकरीर हजरत ने सूद के खिलाफ फरमाई। फिर नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ, मसला छुपा ले हम? एक आक है, ओमन यूरिद सवाब दुनिया नुक्ति मिनहा, ओमन यूरिद सवाब आखिरत नुक्ति मिनहा, और जो आदमी इरादा करेगा आखिरत का, आखिरत बन जाए, दुनिया मिले ना मिले, नुक्ति मिनहा, तो आखिरत भी हम उसे देते हैं और दुनिया भी उसे देते हैं। वसन शाकिरीन, और हम शुक्रगुजारों को बदला देते। क्या बदला देते हैं? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलुहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाते हैं और फिर अच्छे अमल करते हैं, और सबसे अच्छा अमल क्या है? वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती जो अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ और बका की आवाज़ लगाए, उससे अच्छी बात किसकी? अल्लाह ताला क्या कहे उसको इनाम हम क्या देते हैं? सयजअलुहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। किसकी? ईमान अच्छे अमल करने वाले। आखिरत में जो मिलेगा वो तो मिलेगा, दुनिया में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर, किसके दिल में? खाली मुसलमानों के दिलों में नहीं, मुसलमानों के, गैर मुस्लिमों के, यहूदियों को, ईसाइयों के, जानवरों के दिल में भी अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है जो वाकई ईमान कामिल और आमाल सालिहा वाली जिंदगी गुजारता है। आपने देखा साहबा ने क्या किया, क्या किया साहबा ने? उनसे जानवरों ने मोहब्बत की, कीड़े मकोड़ों ने मोहब्बत की, उनका कहना माना। अफ्रीका के जंगल में उन्होंने एक आवाज लगाई थी ना, हम यहां रहेंगे, अरे दरिंदो यहां से जाओ, ये तकरीर की थी। किसने तकरीर की थी? हजरत नाफे इब्ने अकबा साहबी। ये जमाना किसका था? सिद्दीक अकबर का जमाना नहीं था, न फारूक आजम का, न उस्मान गनी का, न हजरत अली का, यह हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, जिहाद हो रहा है। और वहां उन्होंने इरादा किया कि इस जंगल में हम ठहरे, छावनी बनाए। वहां के लोगों ने देखा ये सहाबा तो सारी दुनिया से अलग हैं, ये किसी से लड़ते नहीं, ईमानदारी से काम करते हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लोग खुद आए और कहने लगे, देखिए हम आपकी हमदर्दी में कह रहे हैं, यहाँ पे आप न ठहरिए, इसलिए यहाँ जंगल में दरिंदे बहुत हैं, वो नुकसान पहुँचाएंगे। अब आदमी अगर दुश्मन हो तो क्या कहेगा? अच्छा है इनको दरिंदे खा जाए, हमसे लड़ना पड़ेगा। मगर वो मना कर रहे हैं, ये मोहब्बत ही तो थी, खैरख्वाही तो थी, गैर मुस्लिमों के दिल में मोहब्बत। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे नबी ने मुझे ये बताया है जब किसी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो फिर किसी का खौफ उसके दिल में बाकी नहीं रहता। एक प्याला है उसके अंदर दूध भरा हुआ है, 50 ग्राम आप दूध और डालें उसमें आएगा? वो तो पहले से भरा हुआ है। जब अल्लाह के खौफ से दिल भरा होता है तो न सांप से डर लगता है, न बिच्छू से डर लगता है, ना शेर और चीते से डर लगता है। दूसरी चीज, जब कोई अल्लाह से डरता हर चीज उससे डरती। अब उन्होंने क्या कहा, नासे तेरी जहमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है, तुमने खैरख्वाही की, भलाई की, अच्छा मशवरा दे, ठीक है, मगर हम यह रहेंगे ही। और एक तकरीर की उन्होंने, अब वो तकरीर 10 घंटे 1 घंटे की नहीं थी, चंद मिनट की तकरीर, और तकरीर भी कौन सी जबान में थी? हिंदी में। बोलो साहबा क्या बोलते थे? अरबी में। अरबी में हम तकरीर करें आप नहीं समझेंगे, वो अरबी में तकरीर छोटी सी, और न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को खुदा ने समझा दी, शेर उधर। और क्या तकरीर थी? वो तकरीर भी रिकॉर्ड है आज तक।
अय्यतुह الحشرات والسباع, सिबा कहते हैं दरिंदों को, चीता है, भालू है, शेर है, और हशरात कहते हैं जमीन पर रेंगने वाली चीजें, बिच्छू सांप वगैरह सब. अय्यतुह الحشرات والسباع, ऐ दरिंदो, ऐ कीड़े मकोड़ो सुनो, नहनु असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं. फरहलू, यहां से तुम सब चले जाओ अब, हैं, नजलना, हम यहां कयाम करेंगे, हम रहेंगे, अब तुम जाओ यहां से. वलव वजदनाहु बादु कतल, बादु मा कतलना, और इस ऐलान के बाद अगर कोई यहां नजर आया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे. बस इतनी सी तकरीर थी. लोगों ने देखा शेर और चीते और दरिंदे अपनी नजरों झुकाए हुए और बाकायदा जंगल से रवाना हो रहे हैं, पूरा जंगल खाली हो गया. ये क्या है? अल्लाह का कुरान में वादा है, कयामत तक के लिए वादा है. इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलुहुमुर्रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले और अच्छे अमल वाले होंगे उनकी मोहब्बत हम डाल देंगे. किसमें? ईमान वालों के दिलों में, गैर ईमान वालों के दिल में, कुल मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे. चुनाचे इस मोहब्बत का नतीजा क्या हुआ? हजरत मौलाना की जिंदगी में शहर लखनऊ में जो कद्र थी उनकी, किसी आदमी के उसके शहर में, अपने शहर में इतनी कदर नहीं होती जितनी उनकी कदर थी. और जो नाकदरे थे, बेहिस थे, अब उनके जाने के बाद उनकी कदर उनको मालूम हो. लेकिन उनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में कैसी डाली थी, न कोई बाकायदा तशहीर नहीं है, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा इज्तिहाम, नमाज जनाजे में कैसे आया? हजारों हजार उलमा. जब अल्लाह मोहब्बत पैदा करता नेक बंदों की, तो पहले अवाम नहीं मोहब्बत करते हैं, पहले खवास उलमा मोहब्बत करते हैं, फिर अवाम मोहब्बत करते हैं. हजरत मौलाना का मामला यही था, उनकी तकरीर में उलमा ज्यादा होते थे, बड़े बड़े जितने बुजुर्ग थे वो सबके महबूब थे, सबके चहीते थे, हर बुजुर्ग उन पर भरोसा करता था. इतना बड़ा इत्तेहाम, इतना बड़ा मजमा, ये कहाँ से आया? हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अपने मुखालिफीन से, बैनना व बैनकुम यौमुल जनाइज, हम अल्लाह के मकबूल बंदे हैं या तुम हो, जनादे बताएंगे हमारे और तुम्हारे. इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जब जनादा उठा तो पता है पूरे शहर में जामे मस्जिद में एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं था, सब जनादे में शरीक, सब जनादे में शरीक. बादशाह वक्त ने जहाँ पे जनादे की नमाज हुई उसको नपवाया पहले, कितना बड़ा मैदान है, फिर अंदाजा लगाया इसमें कितने आदमी होंगे, तो पता चला 8,60,000 आदमियों ने नमाज जनादा पढ़ी इमाम अहमद बिन हम्बल की. तो ये सुन्नत है अल्लाह तबारक व ताला की, दुनिया ने उसका नजारा, ये तो दुनिया में अल्लाह सिला देगा और आखिरत में जो देगा वो तो अलग ही, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता. अल्लाह ताला हजरत मौलाना की हसनात को कबूल फरमाए और अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनकी हसनात का बेहतरीन सिला उनको अता फरमाए, इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए. हाजी मोइन, हाजी मोइन साहब की अहलिया की तबीयत ख़राब है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. और जितने ईमान वाले हैं, बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफा कामिला अता फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा. अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम. ऐ अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपने रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से हम सब की हिफाजत फरमा. ऐ अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, इस दरस कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा, इसके फैज़ को घर घर के अंदर पहुँचा दे, इसकी बरकत से अकायद आमाल अखलाक मुआशरे की इस्लाह फरमा. ऐ अल्लाह इसको हम सब की नजात और मगफिरत का ज़रिया बना दे. ऐ अल्लाह इसकी बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजत मंदों की हाजतों को पूरा फरमा.
اے اللہ تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے جن پر یہودی اور عیسائی ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ اپنے ان مظلوم بندوں کی مدد فرما، اے اللہ حق کو غلبہ عطا فرما دے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما دے، اے اللہ ان سب ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما، اور جہاں جہاں دین کے دشمن دین کو دینداروں کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اے اللہ مگر تیری طاقت سب سے بڑی ہے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ دینداروں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی، ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہم پر حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔